मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को मास्क न पहनने को लेकर एक विवादित और अजीबोगरीब बयान दिया था, जिस पर उनकी जमकर आलोचना हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने इस बयान पर सीधा सीधा यू टर्न ले लिया है। उन्होंने अपने इस बयान को कानून का अवहेलना करने वाला बताते हुए माफी कभी कभी हमारी वाणी से ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो हमारी दिल की भावनाओं के एकदम विपरीत होते हैं। कल भी मास्क के संबंध में जो शब्द निकले वो पूर्णतः गलत थे। मुझे स्वयं को पीड़ा हुई अपने शब्दों से, माननीय प्रधानमंत्री जी की भावनाओं के एकदम विपरीत थे और इसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ, गलती मानता हूँ और प्रार्थना करता हूँ सभी सामाजिक लोगों से, समाज के लोगों से, आवाम से कि वो मास्क पहने और कोविड के सभी नियमों का पालन करें। नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को एक ट्वीट कर कहा, मास्क पहनने के बारे में मेरे बयान से कानून की अवहेलना महसूस हुई है। यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की भावना के अनुरूप नहीं था। मैं अपनी गलती मानते हुए खेद प्रकट करता हूँ। मैं स्वयं भी मास्क पहनूंगा और सभी भारतीयों से भी अपील करूंगा कि सभी मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें।